इस्लामाबाद पुलिस की ओर से पकड़ा गया नटवर लाल कईयों को ठग चुका है। जानकारी के मुताबिक इसके कई विभागों के अधिकारियों के साथ भी संबंध है। शेर विभाग के अधिकारी के साथ भी इसकी सांठगांठ है। ये लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगते रहे हैं। पुलिस ने इस नटवर लाल को अदालत में पेश कर 2 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है और जांच शुरू कर दी है कि उसने अभी तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। हम पहुंचे हैं थाना इस्लामाबाद, जहां पर हम बात करेंगे थाना प्रभारी SHO अनिल कुमार के साथ। इन्होंने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। एक ऐसा नकली IPS अधिकारी पकड़ा है जो IPS की धौंस जमाकर लोगों से पैसे हड़ता था। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने ये सफलता इन्होंने कैसे सर आपने सर कैसे पकड़ा इसको जी? मैनू कल दिलप्रीत पुत्र कुलदीप सिंह जो कि इस्लामाबाद का रहने वाला है तो एक्सिस बैंक के विच डिप्टी मैनेजर है तो इस पास ये जिहड़ा प्रवीण कुमार खंडवाल है जिहदा कि नाम असल प्रवीण सबरवाल है तो इस दे नाल इसने बैंक के विच गल कीती कि तुसीं प्राइवेट नौकरी करते हो तो मैं तुहानू IB दे विच इंस्पैक्टर भर्ती करवा दिंदा। तो उस दे नाल एक दो बारी मुलाकातां होईयां क्योंकि इन्हां दा उस बैंक दे विच सबरवाल दा उस बैंक दे विच अकाउंट सी ते इस दे नाल ते इस दे डैडी दे नाल इहदा फिर 15 लाख दा जिहड़ा कि सर्विस दौण दा IB दे विच इंस्पैक्टर सौदा तय हो गया जो उन्हां ने इन्हां नूं इस नूं 1,60,000 रुपया टोकन मनी दे दित्ती ते बाद दे विच जदों उन्हां नूं पता लगा भी इह आदमी तां फ्रॉड है उन्हां ने फिर मैनूं इतलाह दित्ती कल ते इस दे खिलाफ़ असीं मुकदमा दर्ज कीता है। मुकदमा दर्ज करके तो इस असी फिर इस्लामाबाद के एरिए गिरफ़्तार करके इस पासों जिहड़े ने इन्हें जाली विजिटिंग कार्ड PK खंडवाल IPS ADGP क्राइम दिल्ली के जिहड़े सीगे जिहड़ा कि उन्होंने दिता उन्होंने भी सानू जदों मुकदमा दर्ज करवाया तो पेश किया सी ते दो जिहड़े ने इहदे असी पॉकेट के विचों जदों इन्हें गिरफ़्तार किया वो रिकवर किए ने ते नाले वो मोबाइल भी रिकवर किया जिहड़ा इन्हें अपने विजिटिंग कार्ड के उत्ते दिता। सर एक इस तो अलावा कोई देखो विजिटिंग कार्ड तो तुम पकड़े कोई आइडेंटिटी कार्ड भी पकड़ा गया जिहड़ा ने नकली बनाया सीगा? नहीं वो आइडेंटिटी कार्ड नहीं हैगा इहदा आधार कार्ड जिहड़ा आ वह भी इसने नदेड़ साहब का एड्रैस दिता होर भी इन्हें जिहड़े ने अपना वोटर कार्ड वगैरह जो भी ये असी बरामद किए। अच्छा सर तफ्तीश पता लगे कि ये होर भी इस तरह के कई मामले कई फ्रॉड कर चुके हैं? हाँ जी ये दे खिलाफ 20 के करीब मुकदमे दर्ज ने वक्त थाने के सर। अमृतसर च भी ये खिलाफ कोई मामला दर्ज होया पहले जी? हाँ जी हाँ जी अमृतसर से ही दर्ज ने जी वक्त थाने के। अच्छा सर जो 20 मामले दर्ज ने अमृतसर च ही ने सारे जी? हाँ जी हाँ जी अमृतसर के ही ने एक मुकदमा मैं बतौर ASI होंदया भी ये दर्ज किया उदों इन्हें गड्डी ते रेड लाइट लाई सी ते उदों भी इन्हें उसी गिरफ़्तार किया। सर हुण पुलिस की अगली की सर कार्रवाई की कर रहे हो तां कि लोगों को बचाया जा सके? असीं इहदा हुण रिमांड लैके ते इहदी अगे तफ्तीश करांगे। तो सर कुछ इन्हें प्राथमिक जी तुम गलबात पुछते हो इन्हों पुछ कुछ दस्या भी इन्हें इस तो अलावा भी कुछ लोगों फ्रॉड किया जी? ये हूँ असी यदा रिमांड लै रहे हैं रिमांड लैन तो बाद फिर मजीद पूछगिछ करांगे। सर तुम लोगों को कुछ संदेश देना चाहो भी जिमें मैं लोगों को यो संदेश देना चाहता भी योजना जोड़े ने ठग किस्म के आदमी ने इन तो बचना चाहिए तो बिना वजह किसी तबार नहीं करना चाहिए क्योंकि अजक सारी गल ऑनलाइन पता लग जाती है तो इस करके किसी तो बिना वजह अतबार करके उसना एडा वड़ा सौदा करके या उन्होंने पैसे दे के इस तरह नहीं करना चाहिए। ये थे हमारे साथ SHO अनिल कुमार जिन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने एक नकली IPS अधिकारी को पकड़ा है। और आप लोगों को भी हम जागरूक करना चाहते हैं कि किसी के भी झांसे में ना आए और अपना पैसा और खुद को खुद सुरक्षित रखें। पुलिस तो भले ही आपकी सुरक्षा कर रही है और आपकी सुरक्षा में भी तैनात है लेकिन अगर आप अपना ध्यान खुद नहीं रखेंगे तो फिर पुलिस भी क्या कर सकती है।